हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या था। यानी हमने अब तक जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ हमारे आ चुके थे, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्चुअल में काम करता कौन है। तो फिर 1926 में धीरे धीरे जो है आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके बाद एक चीज़ आपकी क्लियर होकर के आई कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर कुछ ऐसा होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये सब चीज़ जो थी हमारी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से क्लियर हो पाई थी। एक साइंटिस्ट थे हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट्स किए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे। ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया के लिए, यानी निमोनिया कॉज करता है। तो उन्होंने देखा कि एक जो है वहाँ पर एक मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया में, यानी एक अजीब ही तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज हो रहा है बैक्टीरिया में। वो कैसे? उन्होंने देखा कि जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी कि जो आपका बैक्टीरिया है उसने अपने आप को चेंज कर लिया किसी दूसरे स्टेट में। वो कैसे? देखिए, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया आर ग्रो ऑन अ कल्चर प्लेट, यानी जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की कॉलोनीज बनाई जाती हैं, यानी उनको फूड मटेरियल अवेलेबल करा करके उनकी कॉलोनीज जो होती है वो तैयार कराई जाती है कल्चर प्लेट पर, तो तब दो तरह की कॉलोनी बनती है। एक बनती है स्मूथ और शाइनी कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं एस स्ट्रेन, जबकि दूसरी बनती है आपकी रफ कॉलोनी जिसको बोलते हैं हम आर स्ट्रेन। यानी अब हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की दो टाइप हो गए, एक एस और एक आर। दिस इज बिकॉज, क्योंकि एस स्ट्रेन यानी क्या बनाता है, स्मूथ शाइनी कॉलोनी बनाता है, जो कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है पॉलीसेक्राइड की। तो पॉलीसेक्राइड की जो एक्स्ट्रा लेयर होती है उस वजह से वो कैसे होते हैं, स्मूथ और शाइनी होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम एस स्ट्रेन। जबकि जो आर स्ट्रेन है उसके पास पॉलीसेक्राइड की कोट नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि उसने रफ कॉलोनी बनाई है। अब जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, यानी कि वो एक तरह से क्या करता है आपका मतलब निमोनिया को कॉज करता है, जिसकी वजह से जो होता है, हम एक्सपेरिमेंट में आगे देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट में हमने माइस लिए थे वो मर गए थे। लेकिन जो आर स्ट्रेन होता है वो निमोनिया कोज नहीं करता है। तो अब यहाँ से आप ऊपर से ये दो बात हमारे पास क्लियर होकर के आई है। पहली तो ये कि हमारे पास एक एस स्ट्रेन है और एक है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन के पास एक जो होती है पॉलीसेक्राइड की लेयर होती है, जबकि आर स्ट्रेन के पास पॉलीसेक्राइड की लेयर नहीं होती है। एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, यानी ये निमोनिया कोज करता है, जबकि आर स्ट्रेन जो होता है वो निमोनिया कोज नहीं करता। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज किया, माइस। तो जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस जो था वो डाई हो गया, यानी मर गया। जबकि अगर आर स्ट्रेन को हमने इंजेक्ट किया है तो माइस जो है वो एज इट इज रहा, यानी कि उसको निमोनिया नहीं हुआ। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम। ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको हीट प्रोवाइड कराई। हीट प्रोवाइड कराने के बाद क्या हुआ कि उसने उसको किल कर दिया, यानी जब इसको हमने हीट प्रोवाइड कराई तो इसको क्या कर दिया, हमने किल कर दिया। अब किल करने के बाद फिर से इंजेक्ट किया माइस में तो फिर क्या हुआ, माइस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ देखिए, एस स्ट्रेन को हमने हीट किल किया, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या रहा, लाइव, यानी जिंदा रहा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर एस स्ट्रेन जिसको हमने हीट किल किया था उसको मिक्स करके हमने सेंड किया है आर स्ट्रेन के साथ जो कि जीवित है, तो दोनों जब मिलकर के उसको इंजेक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, माइस डाई, यानी माइस जो है वो मर जाता है। एक्चुअल में देखिए होना क्या चाहिए था, आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो निमोनिया कोज नहीं करता है, तो यानी माइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन जब एस स्ट्रेन उसके साथ मिक्स कर दिया गया, भले ही वो कैसा है, हीट किल्ड है, ये करने के बाद भी क्या हो गया, माइस डाई हो गया, यानी माइस मर गया। तो यानी कुछ ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन से ट्रांसफर होके आर स्ट्रेन में आ गई है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक वायरुलेंट बैक्टीरिया में, जिससे कि वो निमोनिया कोज करे।